इंडिया सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। भोपाल शहर में बीते दिनों अखबार और सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही थी, जिसमें बताया गया था कि ताजुल मसाजिद में एक दिन में सिर्फ 7 निकाह कराए जाएंगे, परंतु मसाजिद कमेटी दारुल कज़ा और ताजुल मसाजिद दारुल उलूम ने इस खबर का खंडन किया है। शहर काजी जनाब मुश्ताक अली नदवी साहब ने बताया कि कुछ दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें बिना नतीजे यह मीटिंग खत्म हुई थी। हमारी तरफ से ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया था जिसमें 7 निकाह होना बताया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारुल तालीम शायद के जिम्मेदार हमारे पास आए थे और हमारी बैठक हुई थी, लेकिन कोई बात तेरी हुई थी। हमने उनसे कहा था कि आपकी जो परेशानियाँ बताइए उनको हल किया जाएगा, लेकिन अभी कोई बात तय नहीं हुई थी। हमारी तरफ से कोई ऐसा मसला नहीं है, जैसा साफ का निज़ाम चल रहा था वही निज़ाम अभी चलेगा इंशाल्लाह। मतलब जो निकाह जैसे पहले होते थे और अभी तक कोई क्वांटिटी नहीं थी उनकी, वैसे ही पहले अभी भी निकाह, अभी हमारी तरफ से कोई ऐसा आर्डर नहीं है, जैसा निज़ाम होता था वैसे इंशाल्लाह निज़ाम चलेगा जी। वही इंचार्ज सेक्रेटरी मसाजिद कमेटी के यासिर अरफात ने कहा कि इस्लाम में निकाह को बहुत आसान बताया है और मस्जिद में निकाह करना सुन्नत है। यासिर अरफात ने पूर्व में समाचार पत्रों में छपी 7 निकाह की खबर को गलत ठहराया है और उनका कहना है कि पुराने तौर पर ही निकाह किए जाए। पिछले दिनों में 23 तारीख को हमारे पास ताजुल मसाजिद अमीर साहब का फोन आया था, अमीर दारुल उलूम। उसमें उन्होंने कुछ 8 मौजू रखकर हमसे मीटिंग के लिए वक्त चाहा था, काजी साहिबान से, मुफ्ती साहिबान से, मुझसे। तो बरोज जुमेरात इसमें मीटिंग हुई 24 तारीख को, और उस मीटिंग के अंदर जो 8 मौजू थे उस पर कोई भी चीज़ फाइनल नहीं हुई, कोई भी बात तय नहीं हो पाई थी और मीटिंग बगैर उसके ख़त्म हो गई थी। दूसरे दिन अखबार में हमें भास्कर में खबर पढ़ने को मिली कि काजी साहब और मेरे साथ मीटिंग मुनक्किद हुई और प्रोफेसर हसन साहब की तरफ से ये बात उन्होंने लिखी है, जो अखबार वालों ने दैनिक भास्कर के अंदर वो ये बातें आई कि साहब 7 निकाहों की गाइडलाइन बना दी गई है, 7 निकाह मसाजिद में होंगे, जोहर में निकाह नहीं होगा और भी बहुत सी बातें थी। तो इस तरीके की कोई भी बात उस मशवरे के अंदर तय नहीं हुई है, विदाउट बगैर किसी सोर्सेस के। जिन साहिबान ने भी ये खबर छपवाई है हम उसको पूरी तरीके से डिनाई करते हैं और उसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं। साथ ही मुफ्ती शहर भोपाल जनाब मोहम्मद अबुल कलाम कासमी साहब का कहना है कि निकाह करने के लिए ना तो कोई रोक सकता है और ना ही किसी तरह की बंदिश लगाई जा सकती है। ताजुल मसाजिद एक मस्जिद है जो भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की बड़ी मस्जिदों में जिसका शुमार होता है। नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद के सिलसिले में इरशाद फरमाया, अलनु हादन निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, निकाह का ऐलान करो और मस्जिदों में मुनक़िद करो। मस्जिद में निकाह की कोई तादाद मुतय्यन नहीं हो सकती, न मस्जिद के अंदर कोई शख्स किसी को निकाह करने से रोक सकता है, इसलिए कि शरीयत ये कहती है। नबी अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि निकाह का ऐलान करो और मस्जिद में निकाह के लिए निकाह मुनक़िद करो। तो मस्जिद में निकाह मुनक़िद करना सबसे अफजल और बेहतर है। लोग अफजल और बेहतर काम करने के लिए मस्जिद में आते हैं, इबादत के लिए आते हैं। मस्जिद इबादत की जगह है और निकाह भी एक इबादत है, इसलिए इस इबादत से किसी को रोकना भी दुरुस्त नहीं और उसकी तादाद को मुतय्यन करना भी दुरुस्त नहीं। दारुल उलूम ताजुल मसाजिद ने अमीर प्रोफेसर हसन ने ताजुल मसाजिद में निकाह की संख्या को लेकर 7 निकाह को लेकर कहा है कि हम शहर काजी साहब की बात से एक राय रखते हैं, अगर उनकी राय यह है कि निकाह जैसे पहले होते थे वैसे ही होती रहे तो मैं उनकी राय से सहमत हूँ। बोल इंडिया न्यूज के लिए भोपाल से नावेद अली की रिपोर्ट।